अब जय श्री राम। क्या आपने सोचा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो समाज की क्या स्थिति बन जाएगी? विरारपुर के सुराम पार्क स्थित विनय कांत झा के दो बेटे ऐसे ही अत्याचार का शिकार बन गए। छोटे बेटे विकास पर पुलिस द्वारा झूठे केस बना बनाकर उसकी इतनी शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना की गई कि तंग आकर उसने आत्मदाह कर लिया। न्याय ना मिलता देख और बार बार खुद को और अपने पिता को प्रताड़ित होता देख कर बड़े भाई ने भी दुखी होकर आत्महत्या कर ली। अब एक बूढ़ा पिता अपने बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए लड़ रहा है और जब कोई उसकी मदद को आने को तैयार नहीं था तब हमने तय किया है कि हम उनकी मदद करेंगे और उस बूढ़े पिता और उनके बेटों को न्याय दिलवाएंगे, क्योंकि ये विषय केवल विनय कांत झा का नहीं बल्कि पूरे समाज का है, ताकि कल को किसी और माता पिता को अपनी आंखों के तारे को ना खोना पड़े। इसी कड़ी में दिनांक 13 जुलाई 2018 को दिन शुक्रवार समय शाम 5 बजे स्थान गोकीवरे तालाब वसईपुर से ब्रॉडवे सिनेमा हॉल तक जा रहे हैं हम आंदोलन करने और कैंडल मार्च निकालने। आप सब से निवेदन और ऐसी अपेक्षा है कि हर बार की तरह इस बार भी आप सब पूरे शक्ति और उत्साह के साथ मेरा साथ देंगे, ताकि हम सब मिलकर विनय कांत झा और उनके परिवार को न्याय दिला सकें। बारिश का मौसम है पर इरादे पक्के हैं और मुश्किलों से भिड़ने का दम है। चाहे आंधी आए या तूफान, मैं डटा रहूंगा, आप भी देंगे ना मेरा साथ। जय श्री राम। वजह ये है कि मुझे इंसाफ नहीं, तो यहाँ पर आपको सरकार के अधिकारी हैं, राज्य सरकार है, कोई भी किन्हीं से भी हमें उम्मीद नहीं लग रहा था कि हमें मिलेगा, तो फिर मैंने जनता की अदालत में जाना तय किया और इसीलिए मैंने ये केंद्र बंद किया। इसमें कौन कौन गुनहगार है और आप किसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं? इसमें देखिए, यहाँ का पुलिस अधीक्षक श्री मंजूनाथ सिंह, श्री सचिन पांडरकर, श्री जयंत भदवले, रोशन राज तिलक और आपके शीतल कुमार डोईजर और मानिकपुर पुलिस चौकी के पीआई अनिल पाटिल, ये 6 लोग, उसी को 10 लोग हैं, जिसमें 4 के ऊपर एफआईआर हो गया है, बाकी ये 6 लोगों के ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। आपके आगे के कदम क्या रहेगा? देखिए, आगे का कदम है, पहले तो हम आंदोलन कर रहे हैं, जैसे आज हमने बसई किया है, फिर इसके बाद हम बिहार है नाला चुमारा को करेंगे, बिहार में करेंगे, पाल जाएंगे, हम लड़ने का अंत कोशिश करेंगे, फिर भी हमें न्याय नहीं मिला। हमारे बच्चे रास्ता दिखा गए हैं कि इस रास्ता पर चलो और हम वही करेंगे। मतलब आप आत्महत्या करने वाले हैं? निश्चित करेंगे।